हमारे पास चंदन है, चंदन, ये चंदन है और ये धूप बत्ती है, धूप स्टिक और ये इत्र वगैरह भी है, सब चीज तो, सारे हाँ आयुर्वेदिक तो नहीं, हाँ सब आयुर्वेदिक है। और जैसे जैसे लोग का यहाँ पे डिमांड आया कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, तो उनके डिमांड के हिसाब से भी हमने हर एक चीज को करने का, हमको ये एक तरीके का रोजगार है जिसको सरकार ने रोजगार से विहीन कर दिया। हम मौजूद हैं एक अगरबत्ती के शोरूम में। अगरबत्ती का शोरूम शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये पटना में मौजूद है और इसके पीछे जिनकी सोच है वो हैं तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। उनकी सोच के आधार पर ये एक अगरबत्ती शोरूम बनाया गया है, उसका उत्पादन भी वो खुद करते हैं। और इसका जो अगरबत्ती का नाम है LR, राधा कृष्ण अगरबत्ती। LR का मतलब लालू राबड़ी, राधा कृष्ण अगरबत्ती। तो ये पूरा आप देखिए, शोरूम में केवल तरह तरह के अगरबत्ती आपको मिलेंगे यहाँ, हर फ्लेवर के, हर सुगंध वाले। और सबसे खास बात कि इसमें जो फूल होते हैं जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, जो बाद में जिनको निर्माल कहा जाता है, जो वेस्ट हो जाता है, उससे ये अगरबत्ती बनाया जा रहा है, जिससे आप समझिए कि एक तरीके से जो फूल है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है और शुद्धता भी कायम रहती है। हमारे साथ अभिषेक चौबे हैं जो कि ये पूरा कारोबार देख रहे हैं। ये तेज प्रताप यादव जी का सोच है जी, ये तेज प्रताप यादव ने, उनकी सोच है ना ये जी, जो कंसेप्ट जो है जी जी, क्या मतलब क्या है मतलब पीछे? इसमें जो है हम लोग जो है, सबसे पहली बात यह है कि इसको जो है अगरबत्ती जो तैयार होता है तो जो मंदिर में जो फूल चढ़ाया जाता है वो फूल क्या है कि बेकार चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन वेस्ट हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि उसको मंदिर पे से हम लोग चुनवाते हैं, गाड़ी से हम लोग मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद यहाँ पर जो है उस फूल को अलग अलग करके उसको सुखाया जाता है धूप में। जब वो सूख जाता है तो उसको हम लोग पीस के, और पीसने के बाद उसको जो है चाल के और उसको जो है अगरबत्ती बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा, बहुत लोगों को बहुत रोजगार? अभी तक तो लगभग 15-16 लोगों को रोजगार मिला है, आगे का जो है अभी और लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये जो ये क्या है, ये कॉम्बो पैक है। अच्छा, इसका कॉम्बो पैक, ये कॉम्बो पैक है। अभी तक आप इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट आप नहीं देखेंगे, पहली बार। बड़ा अच्छा है ये तो। अगरबत्ती है, परफ्यूम क्या है ये? परफ्यूम है। अच्छा, परफ्यूम में बनाते हैं आप जी? इसमें तीन तरह का अगरबत्ती है फ्लेवर में, अगरऊद है, लोटस है, बरसाना है, और दो तरह का धूप भी इसमें दिया जा रहा है, सेवा कुंज और कृष्ण बलराम। अच्छा। और साथ में एक परफ्यूम है 60 ml का परिजात, और साथ साथ एक 80 g का केसर चंदन टीका, जो कि प्योर शुद्ध एकदम, जो भी चीज इसमें दिया जा रहा है बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ है, कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो अगरबत्ती में जो स्टिक जो यूज किया गया वो नारियल के छिलके का स्टिक है, इसमें बांस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसा कि माना जाता है हिंदू धर्म में लोग बांस को नहीं जलाते हैं, बहिष्कार करते हैं। इसकी 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 कीमत जो है 2000 रुपये कॉम्बो पैक का, आप देखिए 7 पीसेज हैं। और इस तरह के और भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, गौरंग प्रकृतिक, अगर ये क्या है इसमें, ये अगरबत्ती है गौरंग, सबका सबका अलग अलग नाम है। मतलब पूरा आपको यहाँ आने पे, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है, तो पूरा भक्ति भाव से परिपूर्ण ये शोरूम है। और अब देखिए यहाँ पर गाय और बछड़े का दृश्य, और लालटेन भी है जो कि RJD का चुनाव चिन्ह है। तो अच्छी सोच है ये, और ख़ासतौर पर इस मायने में देखा जाए तो अगरबत्ती जो कि फूल से बनाया जा रहा है और इसमें बांस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।